सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अपूर और आपका स्वागत है मेरे बिल्कुल नए वीडियो में। सो गाइस गाइस, हमारा 40th वीडियो यानी 4040, यानी गाइस हमने 40 वीडियोस फाइनली कंप्लीट कर लिए गाइस। और ये हमारा 40th वीडियो है गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ गाइस, वो है AFK बिहेवियर गाइस। और ये गारंटी के साथ कह दूँ कि आपको एक बार तो आया ही होगा मेल बॉक्स में कि यहाँ पे वो लिखाते हैं ना गाइस कि आपकी वो आईडी बैन हो जाएगी, आपने AFK बिहेवियर था आपका क्लैश वर्ल्ड रैंक में। सो गाइस, मैं आज इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ गाइस। सो गाइस, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं गाइस। और गाइस, हमारे 20 सब्सक्राइबर्स फाइनली कंप्लीट होने वाले हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए। तो गाइस, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा गाइस कि हमारे वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोग देखने के लिए मजबूर हो जाएं। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं थोड़ी देर में। ओके, और गाइस जैसे ही हमारे 20 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे गाइस, तो मैं मेरी वीडियो शुरू कर दूंगा मेरे फेस क्रीम के साथ बनाना। तो गाइस फटाफट सब्सक्राइब करो। और गाइस, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे ही 20 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो गाइस मैं गेम प्ले पर वीडियो लाना शुरू कर दूंगा जल्दी ही। तो प्लीज़ गाइस, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट टाइम वेस्ट मत करिए ज़्यादा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं हमारे एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइस, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस एप के स्ट्राइक से बचने का क्या फॉर्मूला है, और अगर ये आपके पहले से आ गया, मतलब आपकी स्ट्राइक आ चुकी है और फिर आपकी आईडी बैन होने वाली है, तो उससे कैसे बचे, मतलब कि आपको, मतलब कि मान लीजिए, मैं यूं बताना चाहता हूँ कि मान लो कि आपने सारी गलती कर दी और 3 बार स्ट्राइक आ चुकी है, क्योंकि गाइस तीसरी बार में, फिर तीसरी बार स्ट्राइक में आपकी आईडी बैन हो जाती है। सो गाइस, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि तीसरी बार जैसी अगर आपके आ गई तो इससे कैसे बचें। सो गाइस, इससे पहले मैं बताऊँ, चालू करूँ वीडियो को। तो गाइस, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि AFK का मतलब क्या होता है। गाइस, AFK का मतलब होता है अवे फ्रॉम द कीबोर्ड। यस गाइस, AFK का मतलब होता है अवे फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से दूर रहिए। गाइस, हमारे फ्री फायर में AFK का मतलब होता है कि मतलब कि आपने कोई रूल तोड़ा है फ्री फायर का, एक तरीके से यूं हो जाता है फ्री फायर के लिए। इसलिए गाइस, इसलिए आपके पास ये मेल बॉक्स में आता है कि आपने गरीना का रूल तोड़ा है। अगर आपको अगर जरा से भी नहीं चला जाए तो आपको बताता है कि आपने गरीना का रूल तोड़ दिया और आपका आईडी बैन होने वाली है। तो गाइस, चलिए तो वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं बताता हूँ कि इस स्ट्राइक से कैसे बचा, अगर आपके पास ये पहली आ चुकी है तीसरी बार में। गाइस, आप जैसे कि देख सकते हो कि गाइस मेरे पास भी आ चुकी है स्ट्राइक। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए गाइस कि मेरे पास भी स्ट्राइक आ चुकी है AFK वार्निंग, बट गाइस फिर भी मैं CS रैंक खेल पा रहा हूँ गाइस। और गाइस, मैं इसी का सीक्रेट बताने वाला हूँ कैसे। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे AFK वार्निंग आ चुकी है मेरे पास। तो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो यहाँ पे वार्निंग, गाइस मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ गाइस कि बताइए, अगर आप किसी भी चीज़, कोई इवेंट आता है उसमें अगर कोई चीज़ है जो क्लेम करनी है गाइस, अगर उसके साथ क्लेम नहीं करें तो क्या वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में या फिर वॉल्ट में आ जाएगा? नहीं आएगा ना गाइस। वैसे गाइस, अगर आप AFK वार्निंग को क्लेम नहीं करोगे गाइस, तो ये भी आप पर असर नहीं करेगा CS रैंक में। मतलब इसी आपको यही करना है गाइस कि आपको उसे क्लेम नहीं करना है। और गाइस, अगर आपको अभी भी हम मुझ पर कोई डाउट हो रहा है या फिर आपको मुझसे से कुछ क्वेश्चन पूछना है गाइस कि मतलब कि क्या है, मतलब कि इससे अगर आपका कुछ काम नहीं हो रहा है या फिर वर्क नहीं कर रहा, तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपके आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है गाइस। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का तरीका आपको जरूर बताऊंगा।